हरियाणा हिंसा में कई लोगों की मौत, बजरंग दल का प्रदर्शन। सीएम बोले पुलिस सबकी सुरक्षा नहीं कर सकती। मामला इस हद तक कैसे पहुंचा कि सीएम बोले पुलिस सबकी सुरक्षा नहीं कर सकती, आपको बताते हैं। आप कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा के नूह मेवात में विश्व हिंदू परिषद की ब्रजमंडल यात्रा के दौरान हुई हिंसा में अब तक 6 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 2 होमगार्ड, नूह के भादस गांव का शक्ति, पानीपत का अभिषेक, गुरुग्राम के इमाम और एक अज्ञात शामिल हैं। बजरंग दल ने हरियाणा हिंसा के खिलाफ दिल्ली के 23 इलाकों में बुधवार को प्रदर्शन करने का ऐलान किया। नूह में सोमवार को भड़की हिंसा के 2 दिन बाद भी कर्फ्यू जारी है। गुरुग्राम पलवल जिले में तनाव है। गुरुग्राम पुलिस ने कहा कि छोटे छोटे ग्रुप हिंसा फैलाने का काम कर रहे हैं। नूह की हिंसा के विरोध में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली NCR के 23 इलाकों में रैलियां करने का ऐलान किया। कई इलाकों में प्रदर्शन जारी हैं। इन्हें रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। अदालत ने सुनवाई करते हुए अधिकारियों को आदेश दिया कि रैलियों के दौरान हेट स्पीच या हिंसा न होने दें। संवेदनशील इलाकों में CCTV कैमरे लगाएं और उनके फुटेज सुरक्षित रखें। जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त पुलिस या पैरामिलिट्री फोर्स तैनात करें। नूह हिंसा में अब तक 26 FIR दर्ज हुई हैं और 116 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि गुरुग्राम में 15 FIR दर्ज की गई हैं और सिर्फ 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हरियाणा के DGP PK अग्रवाल ने कहा कि मोनू मानेसर के वीडियो समेत हिंसा से जुड़े हर तथ्य की जांच होगी। इसके लिए SIT बना दी गई है और हर टीम को 7 से 8 केस जांच के लिए दिए जाएंगे। हरियाणा में पुलिस की 30 कंपनियां और केंद्रीय सुरक्षा बलों की 20 कंपनियों को तैनात किया गया है। सेंट्रल फोर्स की गुरुग्राम में 2 और नूह में 14 कंपनियां लगाई गई हैं। दिल्ली और राजस्थान के भरतपुर में भी अलर्ट जारी किया गया है। भरतपुर की 4 तहसीलों में भी इंटरनेट बंद किया गया है। नूह में 2 घंटे के लिए कर्फ्यू में छूट दी गई। दोपहर 12:30 बजे से 2:30 बजे तक दुकानें खुली रही। हिंसा के बाद गुरुग्राम के सिलम एरिया से लोग पलायन कर गए हैं। बुधवार को घरों के बाहर ताले लटके नजर आए। हिंसा का असर ये हुआ कि 4 जिलों में इंटरनेट और स्कूल बंद हैं। 2 दिन की परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई हैं। नूह, गुरुग्राम, पलवल, झज्जर, फरीदाबाद, रेवाड़ी, सोनीपत, पानीपत और महेंद्रगढ़ में धारा 144 लागू है। नूह, गुरुग्राम के कुछ हिंसाग्रस्त इलाकों में पलवल, फरीदाबाद जिले में इंटरनेट और SMS सेवाएं बुधवार को भी बंद हैं। हरियाणा बोर्ड ने 1-2 अगस्त की 10वीं व DLED की परीक्षाएं प्रदेश भर में आगामी आदेशों तक स्थगित की। रेवाड़ी डिपो से गुरुग्राम के सोहना, UP के आगरा, मथुरा, अलीगढ़ की बसों का संचालन बंद कर दिया है। 100 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए हैं। प्रशासन हिंसा में संपत्ति के नुकसान का आकलन कर रहा है।